जैन साथियों, सभी के ढेर सारे सवाल थे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2023 के ऑनलाइन आवेदन को लेकर। तो आज हम आपके सभी सवालों के जवाब एक एक करके देंगे। और फॉर्म कहाँ से भरें, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें, विज्ञप्ति कैसे मिलेगी, आपके जिले की विज्ञप्ति कैसे मिलेगी, आवेदन से चयन तक की पूरी प्रक्रिया क्या क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी जिलों के जो फॉर्म है वो आप कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो इन सभी सवालों को लेकर हम आपके लिए एक लाइव सेशन वीडियो लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षा के फॉर्म से लेकर अंतिम चरण तक की संपूर्ण जानकारी होगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, और अगर अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसकी संपूर्ण वीडियो लेकर आए, ऐसे अलावा अगर कोई आपके टॉपिक है उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपके लिए उस टॉपिक पर ही वीडियो बना देंगे, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो। टेट कौन सा टेट मान होगा, सी टेट या यूपी टेट, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके भी मन में आ रहे होंगे। इन सभी सवालों के जवाब हम आपके लिए लाइव लेकर आए हैं। पहले चित्र जान लीजिएगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2023 में केवल महिला शिक्षिका ही फॉर्म भर सकती हैं। जी हाँ, एक बात एकदम रट लीजिएगा कि यहाँ पर केवल महिला शिक्षिका ही फॉर्म भर सकती हैं, यहाँ पर पुरुष आवेदन नहीं कर सकते। लगभग कुल 2100 पद पूरे उत्तर प्रदेश माना, क्योंकि ये विज्ञप्ति जो है ये उत्तर प्रदेश की है। इसमें ये फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। कुछ लोग ये परेशान है, सर इसका लिंक कहाँ से मिलेगा, किस लिंक से मैं फॉर्म आवेदन करना है। एक बात ये जान लीजिएगा कि फॉर्म जो होगा ये ऑफलाइन भरे जाएंगे। और जब फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे, फिर दूसरा प्रश्न आ रहा है मन में, सर ये फॉर्म कहाँ से मिलेंगे, उसका भी जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, कहाँ से आपको ऑफलाइन मिलेगा। फॉर्म भरने में गलती मत करें, कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ गलतियाँ कर जाते हैं, तो ध्यान रहे कुछ ऐसी गलतियाँ जो आपको नहीं करनी है। कौन सा टेट मान्य है, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा टेट की अगर हम बात करेंगे कि कौन सा टेट आपके लिए मान्य है, इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे देखिए, टेट की अगर हम बात करें तो सी टेट होता है और यूपी टेट, वैसे दोनों एक दूसरे के बराबर है समकक्ष, लेकिन कई जिलों की विज्ञप्ति में सी टेट को न मेंशन करके केवल केवल यूपी टेट मेंशन किया है। इसलिए आप अपने जिले की विज्ञप्ति, जिस जिले में विज्ञापन के लिए डाल रहे हैं, जहाँ पे फॉर्म आवेदन कर रहे हैं, वहाँ पर इस बात को विशेष रूप से देख लें, विशेष रूप से जान लें, क्योंकि कहीं कहीं सीटेट, कहीं कहीं यूपीटेट ले रहा है, और लेकिन यूपीटेट तो सभी जगह वैलिड है, लेकिन सीटेट को लेकर कहीं ना कहीं मन में प्रश्न और सवाल बने हुए हैं। इसलिए इस बात को भी ध्यान रखिएगा, और यहाँ से भी अगर कोई समस्या आपके मन में आ रही हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कॉमेंट करके। वैसे यहाँ पर यूपीटेट मान्य, यूपीटेट कौन सा मान्य है, कई बार आप लोगों ने सवाल पूछा था, याद रखिए केवल केवल जूनियर, केवल केवल जूनियर का मतलब 6 to 8 का ही यूपी टेट मान्य है। मतलब एक लाइन में एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, अगर यूपी टेट की बात करें, जैसे कुछ जिलों में केवल यूपी टेट मान्य है, तो यूपी टेट 6 to 8, सी टेट के लिए वहां पर विज्ञप्ति में इसका जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए वहां पर यूपी टेट के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए कितने जो संख्या थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले केवल बीएड वाले फॉर्म भर सकते, कि ये भी आपको पता है कि फॉर्म जो है केवल बीएड के ही अभ्यर्थी भर सकते हैं, और जब केवल बीएड के अभ्यर्थी भर सकते हैं तो इनकी संख्या और कम हो जाएगी। मेरिट कैसे बनती, मैंने इसकी पिछली वीडियो में बता दिया था, फिर वैसे अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा इस पर वीडियो बना दूंगा एक सेपरेट, केवल मेरिट कैसे बनाई जाती है। तो आपने ये देख लिया कि बीएड अभ्यर्थी जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक का यूपी टेट पास महिला अभ्यर्थी है, वह इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए टेट क्लियर हो गया, फॉर्म में गलती मत करिए। फॉर्म में गलती करने के लिए देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, जो आपकी 10th की मार्कशीट में, जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, उसी तरह से आपको नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम भरना है। कई बार क्या होता है, जैसे इंटर हुआ या ग्रेजुएशन हुआ या बीएड की मार्कशीट में कहीं थोड़ी मोड़ी त्रुटि हो जाती है, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। उसके लिए आपको 10 रुपये के स्टाम्प पर एफिडेविट लगेगा, जब आपकी काउंसिलिंग प्रक्रिया चल रही होगी उस दौरान आप उसमें लगा सकते हैं। अब और कुछ लोग गलती करते हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगाएंगे, तो डॉक्यूमेंट मैंने पहले बताया कि देखिए पहले तो सभी अच्छा 10, 11, 12 ग्रेजुएशन, मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन, उसके बाद बीएड, सीटेट, इन सब की मार्कशीट की छायाप्रति लगेगी और स्वप्रमाणित होगी। स्वप्रमाणित करने के साथ साथ आपको और भी चीज़ें ध्यान रखनी होगी, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। जनरल वाले, जनरल में जिन भर रहे उनका कोई दिक्कत नहीं, जो ईडब्ल्यूएस में डालेंगे उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे आधार है, पैन है, वोटर आईडी है, तो जो उसमें संलग्न होगा वो भी, नहीं तो उसको स्पीड पोस्ट के साथ भेजना होगा। अपने एड्रेस, अपना एड्रेस भरेंगे, एड्रेस भी दो होता है, एक मेलिंग एड्रेस होता है, एक परमानेंट एड्रेस होता है, कुछ का दोनों होगा, कुछ का अलग अलग होगा। एक फॉर्म को भी हम अगर आप कहेंगे तो एक पूरा फॉर्म भर कर हम आपको वीडियो बना के डाल देंगे, और वह वीडियो जो है एक यूट्यूब चैनल है, स्टडी विद दुर्गेश सर, इस यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी विद दुर्गेश सर, उस चैनल पर वीडियो को डाल देंगे, जाकर उस चैनल पर आप लोग देख लीजिएगा।
ठीक है, पूरा कंप्लीट वीडियो बना के डालू स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे भरना। उसके बाद आप एक से अधिक जिलों में फॉर्म भर सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल है कि सर मैं क्या एक से अलग जनपदों में फॉर्म भर सकता हूँ? जी हाँ, भर सकते हैं। एक सवाल था कि जो यूपी के बाहर की महिलाएं क्या आवेदन कर सकती है, क्योंकि फॉर्म में कहीं कुछ जिलों में इसका जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए आप भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप सामान्य श्रेणी में ही काउंट होंगे, मैंने सामान्य में ही आपकी गणना होगी। एक सवाल आ रहा है कितने गुणांक पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में चयन होगा, इस पर भी मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उस पर भी आप लोग जुड़े रहिएगा। आपके अपने जिले की विज्ञप्ति कहाँ मिलेगी? देखिए आप भी परेशान होंगे कि सर आपके या हमारे जिले की विज्ञप्ति कैसे मिलेगी, या हमारे जिले के आसपास के जिलों की विज्ञप्ति कैसे मिलेगी। इसके लिए भी मैं आपको एकदम स्पष्ट बता दूं, सबसे पहले प्रतिदिन की जो न्यूज़पेपर है या जो न्यूज़पेपर आ चुका है उसके न्यूज़पेपर में इसकी विज्ञप्ति हुई होगी, वहां से विज्ञप्ति ले सकते हैं। फॉर्म एक ही तरह का है सभी जिलों का लगभग, वो भी मैं आपको डाल दूंगा। इसके लिए आप लोग एक टेलीग्राम का व्हाट्सएप का नंबर उस पर लिखिए, वहाँ पे ग्रुप बना दिया गया जहाँ पे सभी जिलों का फॉर्म आपको मिल जाएगा। आप अपना नाम और जिला लिख के मैसेज करिएगा, वहां पर जी हाँ, यहाँ 94 0 72 0 78 पर अपना नाम अपना जिला लेकर व्हाट्सएप करेंगे तो वहाँ पे ग्रुप बना क्रिएट हो, उस ग्रुप में जुड़े जाएंगे, सभी जिलों की विज्ञप्ति आपको मिलती रहेगी, आपको कोई दिक्कत और समस्या नहीं होगी। सभी जिलों की विज्ञप्ति एक ही जगह आपको मिल जाएगी, कुछ जगह फॉर्म भरे जा चुके, कुछ जगह प्रक्रिया चालू है, तो सभी चीजें आपको एक जगह मिल जाएगी। दूसरी बात, आप सभी लोग टेलीग्राम पर भी जुड़े, टेलीग्राम पर एक और ग्रुप बनाकर आपको लिंक दे दिया जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर भी आप जुड़ जाएंगे, वहां पे भी पूरे फॉर्म की फॉर्म मिल जाएगी। लेकिन एक साथ ढेर सारे फॉर्म मिलेंगे, ढेर सारे फॉर्म आएंगे तो लोग इरिटेट हो जाएंगे, जैसे जो शिक्षा भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो बीडोर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको लगेगा सर एक एक ग्रुप में तो पूरा भर जा रहा है। तो जैसे आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे वहां पर इसके अलावा एक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिस ग्रुप में केवल केवल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो फॉर्म है या इसके भर्ती संबंधित, केवल वहां पर ये जानकारी उपलब्ध रहेगी। इसलिए जितने भी साथी हैं इस नंबर पर जब व्हाट्सएप करेंगे तो आपको इस ग्रुप को का लिंक मिल जाएगा, जिसके माध्यम से कस्तूरबा गांधी जुड़े सभी अपडेट आपको एक जगह मिलते रहेंगे। वहां पर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं और वहां उसका निवारण भी हो जाएगा। वैसे इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आवेदन से चयन प्रक्रिया ध्यान दीजिएगा, आवेदन करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट करके फिर बुलाया जाएगा, काउंसलिंग होगी, कि यहाँ कोई परीक्षा नहीं होनी, मैंने आपको पहले बताया, फिर से बता दे रहा हूँ, बिना परीक्षा की मेरिट के आधार पर आपकी भर्ती होनी है। मेरिट कैसे है, हाई स्कूल इंटर का 10%, ग्रेजुएशन का 20%, बीएड का 30%, माने जो परसेंटेज है उसका परसेंटेज निकालने के बाद 1/10, 1/20, 1/30 से गुणा कर देंगे, जो आएगा उसको कैलकुलेट कर देंगे और उसके आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। इस पर भी है, कुछ लोग कह रहे हैं सर सोशल में जैसे मेरा एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, फिर इंग्लिश है, समाजशास्त्र है, मुझे किस में आवेदन करना चाहिए? आप सोशल में भी आवेदन कर सकते हैं, इंग्लिश में भी आवेदन कर सकते हैं, तो इस तरह से भी सवाल लोगों के पूछे गए हैं। सीटेड यूपीटेट को लेकर भी देखिए अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सीटेड भी वैलिड है या नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूपी में सीटेड यूपीटेट को वैलिड होता है, इसलिए इस पर भी अभी हम बात कर रहे हैं अलग अलग जिलों से, और जिलों पर बात करने के बाद हम आपको इसका अवगत करा देंगे। प्रत्येक जिला का जो शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जैसे आप जिस जिले के हैं वहाँ के शिक्षा अधिकारी का जो कार्यालय वहाँ पे विजिट करें, वहाँ पर एक डीसी होते हैं जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के या बालिका विद्यालय के जो डीसी होते हैं उनके कार्यालय में जाइएगा, वहाँ से भी फॉर्म का परफॉर्मा और फॉर्म की विज्ञप्ति भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने अपने सभी जनपदों से सभी जिलों के जो फॉर्म कहाँ से प्राप्त करें, तो आप अपने जिले के जो बीएससी ऑफिस कार्यालय होता है वहीं कार्यालय में जाएंगे, उस कार्यालय में डीसी होते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका के, तो वहाँ पर जाइएगा, तो वहाँ पर बात करिएगा, वहाँ पर आपको विज्ञप्ति भी उपलब्ध हो जाएगी और परफॉर्मा भी पूरा उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा भी आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, सर हमें कैसे क्या करना है, कहाँ से आवेदन करनी है, हमें डाक टिकट कितने का लगेगा, तो जब उसकी वो फॉर्म वाले उसमें लिखा रहेगा डाक टिकट लिफाफा और एक्स्ट्रा लिफाफा भी जमा करना होता है आपको, उसके बारे में आपको आगे इस वीडियो में बता दूंगा। इसके अलावा ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरे मैंने पूरी प्रक्रिया बता दी, कौन सा टेट मानने मैंने बताया कि अभी तक यूपी टेट ही चल रही है, अगर यूपी टेट है तो ठीक है, सीटेट भी लगा के आवेदन कैसे मान लीजिए, कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो तो यूपी टेट नहीं लेकिन सीटेट पास है, लेकिन वो आवेदन कर दे, आवेदन करने के बाद जब अंतिम चरण आएगा तब उसमें देखा जाएगा कि उस समय क्या होता है, उसके बाद आपके पास कानूनी लड़ाई भी लड़ने के लिए हो सकता है, सिलेक्शन हो जाए तो हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में यूपीटेट सीटेट एक दूसरे इक्विवेलेंट है, इसलिए यहाँ पर सीटेट को भी वरीयता दी जाए। लेकिन सबसे पहले क्या है, अब 50 रुपये का टिकट लग रहा है, 25 रुपये का टिकट लगा के आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए, जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका सीटेट क्लियर नहीं, सीटेट क्लियर यूपीटेट क्लियर नहीं होगा जूनियर का, वो भी घबराए नहीं, फॉर्म भर दे, मेरी व्यक्तिगत सलाह है, राय है, आप माने ना माने आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एकदम पूरी प्रक्रिया बता दी, फिर भी इसके अलावा अगर कोई सवाल है आपके मन में, कोई प्रश्न है तो आप पूरा पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एकदम बता दिया कि जैसे यूपीटेट को लेकर मैंने बता दिया,
बीएड और बीटीसी को लेकर, देखिए कुछ लोग हैं बीएड और बीटीसी को लेकर अभी भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो ये इस पर वीडियो बनाए जा रहे हैं बीटीसी के लिए। तो देखिए बीटीसी इसमें इजबल नहीं है, बीटीसी हो या डीएलएड हो यहाँ पर इजबल नहीं है, केवल यहाँ पर बीएड के व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। एकदम स्पष्ट और साफ साफ मैंने आपको बता दिया। मेरिट बनाने की प्रक्रिया भी मैंने बता दी आपको, मेरिट कैसे बनानी है उसके लिए पिछला वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा, उसमें पूरी प्रक्रिया हमने समझाई है। सारे फॉर्म को आप स्व प्रमाणित करके ही भेजेंगे, ठीक, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उस डॉक्यूमेंट को पूरा फुल करने के बाद, और फॉर्म में ही अपना मेरिट निकाल कर भी काउंट करना होता है, तो उसमें भी ध्यान दीजिएगा, कहीं किसी प्रकार की गलती मत करिएगा, ठीक है। फॉर्म में जैसे कुछ लोग होते हैं बीएड में जो प्रैक्टिकल होता है थियरी दोनों मिलाकर आपके अंक योग किए जाते हैं, तो कुछ लोग क्या कहते हैं केवल थियरी का भेज देते हैं बाद में पछताते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो आपकी थियरी होती है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, थियरी का भी भरा जाता है और थियरी के अलावा जो आपकी उसकी विज्ञप्ति में आपने देखा होगा थियरी और प्रैक्टिकल दोनों का नंबर जोड़ने में उसका परसेंटेज निकल जाता है। अब कुछ लोग गलती करते हैं, वो गलती छोटी मोटी गलती आपको नहीं करनी है। सर्टिफिकेट आप बनवा के रखिएगा जिससे जाति प्रमाण पत्र, निवास, निवास सभी का होगा, निवास आपका होना चाहिए, ठीक है। जाति आरक्षित वर्ग का जैसे मतलब जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके ईडब्ल्यूएससी उनके लिए तो, और अन्य के लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए ना, बाकी ओबीसी एससी एसटी उनके लिए। फ्रीडम फाइटर को लेकर सवाल आता है, जी हाँ फ्रीडम फाइटर को भी आरक्षण रहता है यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसजेंडर में आप आवेदन कर सकते, एक सवाल आया था कि सर क्या ट्रांसजेंडर आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पे केवल महिला शिक्षिका के लिए बात की गई, ट्रांसजेंडर के लिए कहीं खुली विज्ञप्ति नहीं दी गई है, यहाँ पे केवल महिला शिक्षिका की बात की गई है। और एक सवाल है क्या स्थायी है और वहाँ पर रहकर आपको जॉब करनी है, तो जितने भी लगभग सवाल थे मैंने कोशिश किया कि सभी सवालों के जवाब आपको देने का। फिर भी अगर हो सकता है कोई सवाल छूट गया हो, कोई प्रश्न ऐसा हो जिसका जवाब आपको न मिला हो, तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करिएगा, हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे और शॉर्ट वीडियो बना देंगे जैसे एक एक मिनट में आपके सवालों को लेकर, ताकि आपके सभी सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। तो शॉर्ट्स भी जो है ई लर्निंग विद दुर्गेश के चाहे तो आप देख सकते हैं, जो फेसबुक पेज है वहाँ पर मिलता रहेगा। और सभी लोग जैसे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग ये चाह रहे होंगे सर कि हमें किस ग्रुप में जुड़े जहाँ से हमें सारी जानकारी मिल जाए, तो उसके लिए मैंने आपको बताया एक नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कॉल नहीं करिएगा, क्योंकि जब भी फ्री होंगे आपको वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये व्हाट्सएप है, इस पर केवल आपको व्हाट्सएप करना है, जब व्हाट्सएप करेंगे तो आपको इस पर जोड़ दिया अपना नाम और जिला लिख दीजिएगा, ताकि आपका नाम नंबर सेव हो जाए, और यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 75 जनपद जो जनपद है 75 उन सभी जुड़ी सभी नोटिफिकेशन सभी विज्ञप्ति सभी चीज़ें आपको क्रमवार रूप से के करके मिलती रहेंगी। उसके अलावा अगर आप नोट संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं कि चाहते हैं घर बैठे आपको नोट्स में सुपर टेट हो, वीडियो एग्जाम हुआ, वीडियो एग्जाम हुआ, सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, इसके नोट्स टीजीटी पीजीटी के नोट संबंधित, तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कर जानकारी ले सकते हैं। मतलब जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, ये सभी जो क्लासेज हैं जनपद जौनपुर चलती है, मेरी क्लासेज आप सभी के लिए निःशुल्क और देशित में राष्ट्रीय में चलती रहती है। कस्तूरबा गांधी आपके इस बेरोजगारी के दौर में कहीं ना कहीं एक आधार स्तंभ है। वैसे आपको परमानेंट नौकरी की तलाश सभी को होगी, और आप लोगों ने अगर बीएड करके रखा है तो आप जरूर से यह चाहते होंगे कि आप अपनी सिलेक्शन को आगे बढ़ें। बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी भी तैयारी करते रहे, क्योंकि इस नए सत्र में आपको एक बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। बीएड के अभ्यर्थी बीओ खंड शिक्षा अधिकारी की भी तैयारी करना शुरू करते, उसका भी अधियाचन शुरू हो रहा है, तो बीएड के अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं ये खबर है कि आप खंड शिक्षा अधिकारी की भी तैयारी करते रह सकते हैं। वैसे आपकी मर्जी है, आप चाहे तो कर सकते हैं, आप चाहे तो ना करें, आपके व्यक्तिगत निर्णय और व्यक्तिगत विचार के ऊपर है, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं फिर से कहूंगा, टेलीग्राम पर आप जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, जैसे ही आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश आपके सामने आएगा, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर सभी जो वीडियो की लिंक आप नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कस्तूरबा गांधी जुड़ा हुआ एक अलग से लिंक है जिसमें आपको केवल कस्तूरबा गांधी जुड़ी ही सूचना मिलेंगी, वहाँ पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह, तो ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और कस्तूरबा गांधी जुड़े कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, किसी भी जिले में हो, या आपकी मार्कशीट में कोई त्रुटि हो, या कहीं फॉर्म में त्रुटि हो, या कहीं भी कोई समस्या हो, तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या ई लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर आप अपने मैसेज भेज सकते हैं, जहाँ पर टीम लर्निंग विद दुर्गेश आपको जवाब दे देगी। एज ए गेस्ट के रूप में मैं जब भी मुझे मौका मिलता है आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए, आपके प्रश्नों के लिए, अपने बच्चों समय में आपको पढ़ाने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, भगवान करे आप नित प्रतिदिन और ऊंचाइयों पर जाए, कस्तूरबा गांधी केवल आपके लिए शुरुआत हो, आपकी ऊंचाइयों की सीमा अथक और अत्यंत ऊंचाई पर हो, तो आप सभी को अथक प्रयास करते रहिए, अपना बेहतर और बेस्ट देते रहिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ, आपके परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ठीक है, थैंक यू। और मैंने बताया सभी जिलों की विज्ञप्ति अपने यहाँ से मिलती रहेगी, और आप अपने जिलों की जो न्यूज़पेपर है, मैं फिर से बता दूं आपको, जो आपके जिले की न्यूज़पेपर होती है, न्यूज़पेपर में भी विज्ञप्ति हो रही है,
तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने अपने जिलों की न्यूज़पेपर भी खंगालते रहे, एक हफ्ते पहले से खंगाल लें, उसमें उसकी विज्ञप्ति आ रही है और फॉर्म आपको मिल जाएगा, उस फॉर्म को भर को उसके पते पर पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म नहीं मान्य होगा, हैंड टू हैंड मान्य होगा, केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से मतलब डाक के माध्यम से ही ऑफलाइन मोड में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप लोग के लिए ये जानकारी काफ़ी अहम और निर्णायक लगी। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक में और आगे वीडियो लेकर आऊँ, आपकी वीडियो जुड़े हो तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा। इसके अलावा एक और यूट्यूब चैनल है जिस पर आप जानकारी, क्योंकि देखिए इस पर क्लासेस चलते चलते इस पर ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाएगी, उसके लिए आप स्टडी विद दुर्गेश सर यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। स्टडी विद दुर्गेश सर जैसे सब्सक्राइब करिएगा तो उस पर भी कस्तूरबा गांधी जुड़े सभी वीडियो लेक्चर, सभी टॉपिक पर वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, ताकि आपको दिक्कत भी ना हो, आपके सवालों के जवाब भी आपको मिलते रहे। और आप चाहते हैं कि आपके लिए वीडियो क्रमवार कस्तूरबा गांधी जुड़े हुए लाते रहें या भर्ती जुड़ा हुआ वीडियो भी लाते रहें जो आपके काम का है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हम इसके अगले टॉपिक पर भी आपके लिए वीडियो लेकर, अगर आप चाहते हैं हम अगले पार्ट पर कुछ वीडियो बनाएं तो कमेंट करिएगा, ताकि हम इसका अगला पार्ट भी आपके लिए लेकर आएँ जो आपके सवाल होंगे। सभी लोग अपने सवाल यहाँ पर टाइप करिएगा। वीडियो को शेयर करने वालों को थैंक यू। अगर नहीं अभी तक लाइक किया तो लाइक का बटन दबाते चलिएगा। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो ई लर्निंग विद दुर्गेश को फॉलो करिएगा, और ई लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज पे भी विज्ञप्ति आपको मिलती रहेगी जिलेवार, तो आप वहां पर भी इसे फॉलोअप कर सकते हैं। आप सभी का थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।